गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में आज का जो टॉपिक है हमारा वह पॉलिटिकल साइंस में, वह है स्वतंत्र भारत में राजनीति जो इसमें है। और इसमें है कि राष्ट्रवाद की चुनौतियाँ, चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रवाद की चुनौतियाँ। और पॉलिटिकल साइंस में आपका बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, और इसमें आपको पढ़ना है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो हैं, इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि नए राष्ट्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ आज़ादी के बाद समस्याएँ कौन सी थी शासन व्यवस्था अपनाने की, कि लोकतंत्र अपनाया जाए या कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। तो अब हम लोग आज जो देखने वाले हैं वह देख रहे हैं हम लोग कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, किस तरीके से विभाजन हुआ। तो बच्चों यहाँ पर चर्चा हम कर लें आपसे कि देखिए, आप 14 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, एक तो भारत था और दूसरा पाकिस्तान था। ऐसा विभाजन का कारण हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उन राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की सीमा की बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ, तो भाई पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना अड़ चुके थे कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर, कि हमें द्विराष्ट्र चाहिए, हमें एक राष्ट्र नया चाहिए। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम पर वे अड़ चुके थे कि हमें पाकिस्तान ही चाहिए। और हिंदू और मुसलमान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी फुट डालो की नीति को इतना इम्प्लीमेंट किया जिसके चलते, और लोगों में इतनी राजनीति की कि जिसके चलते हिंदू और जो मुस्लिम थे वे आपस में बट गए, एकता नहीं रहने पाया। और ये विभाजन प्रारंभ होता है 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से ही। और 1909 के अधिनियम में क्या हुआ कि उसे वहाँ से क्या किया गया कि लॉर्ड मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो को संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। 1909 में मुस्लिम लोग ये मांग कर रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग दिया जाए, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जब वे मांग कर रहे थे तो उसी समय उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ने सोचा कि यदि एक तरफ के व्यक्ति को हम बातों को स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम इनके विरोध से हम बच जाएंगे और बाकी को दमन करके दबा देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमेशा किया, और इस तरीके से विभाजन की रेखा जो है सो आगे बढ़ी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की ही दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने भी इस बात का, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। महात्मा गांधी जी भी विरोध किए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर ही देश का विभाजन हो सकता है। और इसमें नतीजतन भारत पाकिस्तान की मांग को नतीजतन पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया और देश का विभाजन हो गया। विभाजन की प्रक्रिया बहुत बहुत मतलब कि दर्दनाक हुआ था, इसमें कई हजार लोग मारे गए थे। दरअसल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूभाग के बंटवारे को लेकर के प्रश्न यह था कि जो क्षेत्र, जब मुसलमानों की जनसंख्या वाला क्षेत्र जो ज़्यादा रहेगा वह क्षेत्र मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। मतलब विभाजन ही हमारे यहाँ धर्म के नाम पर हुआ था, धर्म के नाम पर, जनसंख्या के आधार पर हुआ था कि मुसलमानों की जनसंख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा है वो क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो दो क्षेत्र उन्हें दिया गया, एक तो दिया गया वर्तमान जो बांग्लादेश आपका देश है, जो वर्तमान बांग्लादेश देश है वह एक पूर्वी पाकिस्तान था, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। वर्तमान में जो पाकिस्तान का मानचित्र है वह पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो चीज़ें थी यहाँ पर। और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है सो पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक में हों। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। तो एक पश्चिम में और एक पूर्व में, वही जो पूर्वी पाकिस्तान और एक जो पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में है, तो दो भाग उनको दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो है सो अब्दुल गफार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में निर्विवाद नेता थे। खान, अब्दुल गफार खान जो थे
पश्चिमोत्तर सीमा में जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ पर हुए थे और उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध थी। द्विराष्ट्रधान के एकदम खिलाफ थे वे नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो और बहुत सारे मुस्लिम भी नहीं चाहते थे देश का विभाजन हो, लेकिन अंततोगत्वा देश का विभाजन तो हो ही गया। और विभाजन होने के बाद महात्मा गांधी जो है सो बोले कि जो व्यक्ति जहाँ से आना चाहता है वहाँ पर चला जाए, मतलब भारत अगर पाकिस्तान के क्षेत्र से व्यक्ति भारत में आना रहना चाहता है तो भारत में रह सकता है, और भारत से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान में जाकर रह सकता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ आ रहे थे उसी समय, जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उन लोगों ने हमारे यहाँ जो वहाँ से आने वाले जो भारतीय थे जो हिंदूज लोग, वे लोगों को ट्रेन में काट करके लाशें उनकी लाद करके जो है सो भेज दिया गया। और जब लाशें जब यहाँ पर आती है तो यहाँ लाहौर और पंजाब वगैरह के जो सिख वगैरह थे जो हिंदूज वगैरह थे ये लोग भड़क जाते हैं और ये लोग भी यहाँ से जा रहे मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं और उसके बाद दोनों में दोनों हताहत होते हैं, दोनों में नदियाँ बह जाती है खून की। और इस तरीके से विभाजन बहुत ही मतलब कि बहुत ही बेकार विभाजन हुआ और इस विभाजन में कई हज़ार लोग मारे गए, बहुत ही विभत्स विभाजन हुआ देश का हमारा। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि तक फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था और यही सबसे अधिक नुकसान भी झेलने को मिला था इन लोगों को। इस तरीके से इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबुझ कठिनाइयां अल्पसंख्यकों की थी। सीमा की दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे और इस तरह से भूभाग में भी लाखों लोग संख्या में मुस्लिम आबादी तो थी। भारत में भी जो है सो जब विभाजन हुआ तो कई लोग मुस्लिम भी वहाँ से यहाँ पे आ गए क्योंकि इस तरीके के बाद, लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जो घोषणा किया, इस घोषणा पर महात्मा गांधी की कितने कई सारे जो विचारक हैं वे आलोचना करते हैं कि महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर जो भी हो, लेकिन महात्मा गांधी एक सत्यनिष्ठावान व्यक्ति थे, वे ईमानदार थे, वे सत्य के आधार पर चलते थे और वे हिंसा का विरोध करते थे, हिंसावादी नहीं थे, वे भाईचारे की भावना में ऐसे बोले होंगे। लेकिन जो लोग उनके पीछे छिपे हुए लोग थे, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगे हुए थे, उन लोगों का वे लोग अपने आप को स्वतंत्र ही करके रखने पाए। और विभाजन का परिणाम यह हुआ कि 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई थी और यह स्थानांतरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ट्रेन जो है सो जा रही है और लोग ट्रेन के ऊपर बैठ करके जो है सो जा रहे हैं और कितनी बड़ी विकट समस्या लोगों को झेलनी पड़ी होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके के लोग चढ़ करके जा रहे हैं ट्रेन के ऊपर भी। तो ये समस्या थी विभाजन के समय। और इस तरीके से जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की सरकार और भारत की सरकार में दोनों में समझौता हुआ कि जो व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से भारत आएंगे, तो दोनों देश से वहाँ से आने वाले लोगों को वहाँ की नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन भारत ने तो नागरिकता प्रदान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको शरणार्थी माना, क्या माना, रिफ्यूजी ही माना, शरणार्थी ही उनको माना। इसके चलते हिंदू मुस्लिम का जो विभत्स घटना थी हमारे राजनीति के द्वारा, हमारे जो पॉलिटिशियन के द्वारा, या हिंदू और मुसलमानों की राजनीति को इतना बढ़ाया गया कि आज भी हिंदू और मुसलमानों में कभी कभी जो है सो कहीं कहीं भाईचारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही कड़ुता दिखाई पड़ता है आपस में, लोगों में लोग मार काट करने पर तो उतारू हो जाते हैं। तो यह इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए समाज में, क्योंकि भाईचारा समाज में बना करके रखना चाहिए जिससे कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब लोग अपने देश के साथ प्यार करें, अपने देश के साथ जुड़ करके रहें। तो ये अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर जब विभाजन की घटना, दोनों तरफ के ही अल्पसंख्यक जो थे, जो पाकिस्तान में हिंदूज थे वे भारत आने लगे, जो भारत के कुछ मुस्लिम थे जिन जो लोग यहाँ पर रहना चाहते थे वो तो यहीं पर रहे जिनको अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे जिनको बुरा लग रहा था वे यहाँ से चले गए, जिनको हिंदू से डर लग रहा था कि यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो हमें यहाँ पर रहने में मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ पर वे यहाँ से जाने लगे। तो इस तरह से विभाजन जो है सो हुआ और कई सारे लोगों, बहु बेटियों को मार डाला गया, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और बहुत बड़ा विभत्स घटना हुआ था। आप देख सकते हैं कि विभाजन अब बांग्लादेश में यात्रा पर गांधी जी थे और किस तरीके की घटना जो है सो घटी पूरे बंटवारे में। दिल के दो टुकड़े हो जाना विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियाँ का ही बंटवारा नहीं हुआ इस विभाजन में, तो दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे हिंसक अलगाव का शिकार हो गए।
और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर पुलिस और वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ था, है ना। और यहाँ पर अनुमानता माना जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर वगैरह छोड़ देना पड़ा था। 80 लाख लोगों को घर बार छोड़ देना पड़ा था। यह कैसे विभाजन थी, एक कैसा पद लोलुपता थी। उस समय की कुछ राजनीतिकों का पद लोलुपता तो था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का था, और भारत में भी किसी का होगा पद लोलुपता इस तरीके से, क्योंकि विभाजन करना चाहते थे लोग, अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे और ऊपरी पद पे लोग बैठना चाहते थे, और यह बैठने की लोलुपता के चलते ही देश का विभाजन बड़े स्तर पर हुआ। यदि ऐसा न हुआ होता, अगर पद दोनों लोग आपस में भारत में ही रह करके बांट लिए होते तो शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा हो जाता, लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं घटी। अब अपितु विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, और इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। और ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने जो मुसलमान जो है, जो भारत की कंडीशन थी नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी और यहूदी के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पहले से ही कायम था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम किया मुसलमानों को, मन को बढ़ाने का, और मन जब बढ़ा उनका तो उन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया इस घटना को, इसलिए यह संघर्ष। क्योंकि मुस्लिम कुछ समय पहले ये कहने लगे थे कि यदि हमारी यह बात मानी जाएगी तभी हम इस आंदोलन में शरीक होंगे, अपना शर्त रखना स्टार्ट कर दिए थे मुस्लिम लीग के लोग, तो ये थोड़ा सा उनकी भी गलती थी इस तरह के अंग्रेज़ों के उसमें आ करके जो है सो लोगों ने किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ऐसे भी थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए मर मिटे, इसे भी भूलना नहीं चाहिए, और कुछ गलती भी किए। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था, और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश करने में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे वे नागरिक किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सबको एक समान आदर सत्कार देने के लिए थे। लेकिन कुछ लोग थे जो अड़े हुए थे वे भी, कि अगर मुस्लिम लीग का गठन हुआ है तो हिंदुओं के लिए भी संगठन बनाया जाएगा, और हिंदुओं के लिए भी संगठन बना करके हम उनके हित की भी मांग करेंगे। इसलिए तो भाई दोनों तरफ से कुछ बातें धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके बाद हिंदू महासभा का भी गठन हो जाता है, और दोनों में धीरे 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 हिंदू मुसलमान में जो कट्टरता था, जो विभेद था, वह बढ़ता चला जाता है। और हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के हिमायती थे, जो देश में हमारा सारे धर्मावलंबी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में भी हुई, भारतीय संविधान में भी चीज़ों को शामिल किया गया साथियों। तो यह विभाजन का विभत्स घटना थी भारत की, जो हम आज तक नहीं भूलने पाते हैं, और हमारे देश में लाखों बहु बेटियों का, बच्चों का सर कट गया, सब लोग खत्म हो गए, है ना, उनकी इज्जत लूट लिए गए, आबरू लूट लिए गए। तो यह विभाजन की घटना थी साथियों। तो जो आज भी अगर इस घटना को अगर पढ़ा जाए तो लोगों के दिल में चोट पहुँचाता है कि हमारा ही भारत, हमारा ही देश का दो टुकड़ा हो जाना, तो जैसे गांधी जी को कष्ट पहुंचा था, वैसे आज भी पढ़ने वाले सोचने वाले लोगों को, देशभक्त को भी कष्ट होता है कि विभाजन इसका नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तो विभाजन हो गया, लेकिन विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान का विवाद नहीं रुक रहा है। इसके पीछे भी कुछ लोगों की घटना, कुछ लोलुपता है, कुछ लोभ है, कुछ लालच है साथियों। तो कश्मीर को लेकर के विवाद ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के बीच रहा है, जबकि वहाँ के राजा हरि सिंह जो थे वे भारत को हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर दिए थे, अपनी देशी रियासत को, समझ गए। और इस तरीके से जो नेहरू जी थे, हरि सिंह नेहरू जी के मित्र थे, और हरि सिंह जो थे वे स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला किया तब हरि सिंह वहाँ से भाग करके भारत में शरण लेने के लिए आए और सहयोग की मांग किए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत लोग मिल करके लोगों ने कहा
कि अपनी सेनाओं को भेजने की वहाँ पर सिफारिश किए और सेनाएं गईं और पाकिस्तान की सेनाओं को जहाँ तक खदेड़ने पाई वहीं तक खदेड़ी। उसके बाद नेहरू जी जा करके मामला जो हारता है वह मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर जाता है, लेकिन जीत रही भारतीय सेनाएं नेहरू जी मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और नेहरू जी के संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर जाने पर विवाद बहुत बढ़ गया था और नेहरू जी खुद तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ पर रहना चाहता है वहीं पर रुक जाए, जो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए। इसलिए हमारा जो पीओके का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहीं पर लाइन खींच दिया गया। और एक तरफ अभी भी हमारे जो पीओके का जो भाग है वह पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत उसे लेने की भरसक कोशिश करता है और हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे पूरे देशवासियों की आन बान शान की बात होनी चाहिए कि जो हमारा भूमि है हम उसे लेकर रहेंगे। हमारा देश कभी भी किसी के ऊपर हमला करने नहीं गया, किसी भी किसी को लूटने नहीं गया। जो भी हमला करने आए वो भारत में हमला करने आए, भारत से लूटकर संपदाओं को लेकर गए, इसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो भारत की अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति रही है, हमारा जो अखंडता है हम उसे बनाए रखेंगे, अपने देश के प्रति जो लगाव है उसे बनाए रखेंगे और सभी धर्मों के साथ भाईचारे की भावने को बनाए रखेंगे साथियों। तो इसलिए आज मैं यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद। आप लोग इसी तरीके से बहुत ही बेबाक तरीके से हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट भी जगेगा पढ़ने में, आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि देश के इतिहास के बारे में जानना बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको इस पुस्तक में शामिल किया गया है टॉपिक और आप इसे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर भी आप लिखते चलेंगे ताकि एक बहुत ही अच्छा सुनियोजित आप क्वेश्चन लिख सकें, इससे आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रजवाड़ों का विलय पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे देश में 550 देशी रियासतें थीं उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने का काम किया गया और किसने यह काम किया, किसने यह हिम्मत था, किसने यह बीड़ा उठाया, इसके बारे में हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे साथियों। नमस्कार।